हेलो क्लास थर्ड, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 17 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि ऑक्यूपेशन क्या होता है। देखिए, हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स जिनके बिना हमारे लिए ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है। लाइक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, दैट इज़ फूड। खाने के बिना हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं, है ना। उसके बाद हाउस, जिसमें हम रहते हैं, जो हमें सर्दी से, गर्मी से, आंधी से, तूफान से, बारिश से बचाता है। और उसके अलावा क्लोथ्स, हमें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स चाहिए होते हैं। यानी कि ये हमारी बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं, जिनके बिना हमारे लिए ज़िंदा रह पाना भी मुश्किल है। तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मनी की, है ना। और मनी हमें कैसे मिलती है? काम करने से। तो जो काम करके हमें मनी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन। यानी कि मनी के लिए हम जो काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए हम जो काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन। हमारे इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशंस जो हैं वो प्रैक्टिस किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन जो हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है, दैट इज़ फार्मिंग। और फार्मिंग के अंदर भी दो चीज़ें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो है वो ग्रोइंग क्रॉप्स, जो हम फसलें उगाते हैं, जो जिससे हमें खाना मिलता है। और सेकंड आ जाती है एनिमल रियरिंग, यानी कि हम जो एनिमल्स को पालते हैं, जिसके अंदर आपकी जैसे हम काओ, बफेलो, है ना, गोट, शीप्स, तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हम लोग डिफरेंट पर्पस से उनको जो है वो रेयर करते हैं, पालते हैं। कुछ एनिमल्स हम मिल्क के लिए पालते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो हम फ्लैश के लिए, मीट के लिए हम पालते हैं, कुछ एग्स के लिए। तो डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो हम डिफरेंट पर्पस से रेयर करते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर डिफरेंट ऑक्यूपेशन। व्हाट वी विल लर्न अबाउट, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशन, कौन कौन से ऑक्यूपेशन जो हमारे इंडिया में प्रैक्टिस्ड किए जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, राइट व्हाट आर दिस पीपल डूइंग। अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको बताना क्या है कि जो लोग यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, ये कर क्या रहे हैं। पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में क्या करना है, टिक करना है। स्लीपिंग, क्या ये सो रहे हैं? नो। ईटिंग, खाना खा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। दे आर वर्किंग, है ना, तो उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशन, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्यूपेशन होता क्या है। ह्यूमन हैव थ्री बेसिक नीड्स, ह्यूमन बींग्स की थ्री बेसिक नीड्स होती हैं, दैट इज़ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। यानी कि अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, जिनके बिना हमारे लिए ज़िंदा रहना, जीवित रहना भी पॉसिबल नहीं है। सो टू फुलफिल दीज बेसिक नीड्स, ह्यूमन रिक्वायर मनी। अपनी इन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बींग्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दे रिक्वायर मनी। सो टू अर्न मनी, ह्यूमन नीड्स टू वर्क। और मनी जो है अर्न करने के लिए, मनी जो है कमाने के लिए, ह्यूमन बींग क्या करते हैं? दे डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज नोन एज ऑक्यूपेशन। कोई भी काम जो धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन। ओके, सो पीपल प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इसीलिए जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशंस जो हैं वो अपनाते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 95, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऑक्यूपेशंस जो हैं वो हमारे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, स्ट्रेंथ्स एंड एजुकेशन। तो जो लोग होते हैं वो कैसे चूज़ करते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे डिसाइड करेंगे कि हम ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं।
इसके ऊपर कई इस चीज़ के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है स्किल्स, कि आप कौन से काम के लिए आप स्किल्ड हो, मतलब निपुण हो, कौन सा काम आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। उसके बाद स्ट्रेंथ, आपके अंदर क्या क्या किसी भी काम करने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या आप काम अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि अगर आप एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आप कुछ अच्छी पोस्ट पर जॉब कर सकते हो, लाइक टीचिंग कर सकते हैं, है ना, कुछ कंपनीज़ में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, तो फिर आपके पास ऑप्शंस कम होंगे, आपको खेती बाड़ी में लगना पड़ेगा, फार्मिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एजुकेशन, एजुकेशन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आप ईज़ली सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑक्यूपेशन को, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी डॉक्टर विल गो टू अ मेडिकल कॉलेज टू लर्न मेडिसिंस। तो अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन को इंटरेस्ट है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा? सबसे पहले उसे मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, ताकि वो पूरी मेडिकल जो एजुकेशन है उसको पूरा कर सके। उसके बाद ही तो वो डॉक्टर बन पाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो भी काम उसने करने के लिए डिसाइड किया, तो उसके लिए उसको स्टार्टिंग से ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और उसी तरीके से उसको तैयारी करनी पड़ेगी। इन इंडिया न्यूमरस ऑक्यूपेशंस आर प्रैक्टिस्ड बाई पीपल। हमारे इंडिया में बहुत टाइप के ऑक्यूपेशंस जो हैं वो अपनाए जाते हैं। लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ देम इन डिटेल। तो चलिए इनमें से हम कुछ जो ऑक्यूपेशंस हैं उनके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आता है फार्मिंग। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारी इंडिया की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, यानी कि 70% पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग में ही इन्वॉल्व है। यानी कि अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, तो जो उनके पूर्वजों की जो खेती होती है उसको वो कंटिन्यू कर लेते हैं, और उसी में वो फूड्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव इन इंडिया, स्पेशली ऑफ दोज हु लिव इन विलेजेस। तो फार्मिंग हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेन ऑक्यूपेशन है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी में इन्वॉल्व हैं। हमारी इंडिया की 70% पॉपुलेशन फार्मिंग में इन्वॉल्व है। स्पेशली जो लोग विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, वो फार्मिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व मिलते हैं। फार्मिंग इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। फार्मिंग के अंदर भी टू टाइप्स की एक्टिविटीज़ को हम इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स, एंड सेकेंड वन इज़ रियरिंग एनिमल्स टू अर्न मनी। तो पहले में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, उसको हम फार्मिंग के अंदर लेते हैं, और दूसरे में एनिमल्स रियर करना, मतलब पालना, वो भी किस लिए, मनी अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इंडियन फार्मर्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप सच इज वीट, राइस, पल्सेस, शुगर केन, जूट एंड कॉटन। तो हमारे इंडिया में क्रॉप्स भी जो हैं वो बहुत ही वैरायटी की जो है क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेट्स में, अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, टेम्परेचर्स और वहाँ का वेदर किस तरीके का है उसको देखते हुए, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं, जिसके अंदर हमारा राइस, वीट जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादातर स्टेट्स में ग्रो की जाती हैं, दालें, गन्ने, जूट, कॉटन, कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं वो ये सारे ही जगह पर ग्रो की जाती हैं। एंड फार्मर्स रिक्वायर फर्टाइल सॉइल, सुटेबल क्लाइमेट एंड अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स। अब इसके लिए भी कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जिनके बेसिस पर ही जो फार्मर है वो अपनी क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर सकता है। हर जगह हर टाइप की क्रॉप्स जो है वो पॉसिबल नहीं है कि उसको ग्रो किया जा सके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फर्टाइल सॉइल। सॉइल जो है वो वहाँ की काफ़ी फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। अब जैसे कि राजस्थान, राजस्थान की सैंडी सॉइल होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं हो पाती, है ना। और हमारे नॉर्दर्न जो इंडिया है, वहाँ पर आप जिसके अंदर हमारा
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ की सॉइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। इसके अलावा सूटेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट वहाँ का जो हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सूटेबल होना चाहिए। प्रॉपर वाटर की सप्लाई होनी चाहिए, तभी जो है हेल्दी क्रॉप्स जो हैं ग्रो की जा सकती हैं। दे अर्न मनी बाई सेलिंग देयर क्रॉप्स इन द मार्केट। अब जो क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसको क्या करते हैं, वो पूरी क्रॉप रेडी होने के बाद उसे मार्केट में सेल आउट करते हैं और उससे वो अपने पैसे जो हैं वो कमाते हैं, जिससे वो अपनी पूरी साल भर उसी से अपना गुजारा करते हैं। इन मैनी एरियाज़ पीपल कीप एनिमल्स ऑन देयर फार्म टू अर्न मनी। और इसके अलावा कुछ काफ़ी सारे एरियाज़ में कुछ लोग जो हैं वो एनिमल्स को भी पालते हैं और उनसे वो कुछ अपनी जो मनी है वो अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। जैसे लाइक काउज, बफेलोज एंड गोट्स आर कैप्ट फॉर मिल्क। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब दूध के लिए जो है वो इनको पाला जाता है। एंड फार्मर सेल मिल्क टू अर्न मनी। अब उसके बाद में ये जो फार्मर होते हैं वो इनसे जो दूध मिलता है उसको वो सेल आउट करते हैं और उससे वो मनी अर्न करते हैं। दिस प्रैक्टिस ऑफ अर्निंग मनी इज़ कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। और जो दूध बेच करके जो मनी अर्न की जाती है, पैसा कमाया जाता है, ये जो ऑक्यूपेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। इसको बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। इसके बाद नेक्स्ट एनिमल आ जाता है शीप। शीप आर कैप्ट फॉर वुल। शीप्स किस लिए पाली जाती हैं? वुल के लिए, ऊन जिससे बनती है और जिससे हमारे ये ऊनी कपड़े जो हमने पहन रखे हैं इतनी सर्दी से बचने के लिए वो हमें मिलते हैं, है ना। सो दे आर मेनली रेयर्ड इन ड्राई एंड हिली एरियाज। लेकिन ये शीप्स कहाँ पर रेयर की जाती हैं? ज़्यादातर ड्राई और हिली एरियाज पर इनको पाला जाता है। मैनी फार्मर्स सेट अप पोल्ट्री फार्म्स टू गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ एग्स एंड मीट फ्रॉम हैन, डक्स एट्सेट्रा। तो काफ़ी सारे जो फार्मर्स हैं इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स भी ऑक्यूपेशन में अपनाते हैं, जिसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको पाला जाता है। किस लिए? एग्स के लिए, उनके एग्स के लिए, उनके मीट के लिए उनको पाला जाता है, जिसको बेच करके वो पैसा जो है कमाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिशिंग। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। तो फिशिंग जो है ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़, यानी कि समुद्र के किनारे वाला एरिया जो होते हैं वहाँ पर ये फिशिंग का जो ऑक्यूपेशन है वो ज़्यादातर अपनाया जाता है। दोज हु कैच फिश फॉर अर्न मनी आर कॉल्ड फिशरमैन। तो वो लोग जो इन कोस्टल एरियाज़ में, जिनको बोलते हैं मछुआरे, है ना, तो आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा। तो मछुआरे जो होते हैं, यानी कि फ़िशरमैन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इन कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं और ये फिशेज़ जो हैं वहाँ से कैच करते हैं, पकड़ते हैं, जाल फेंकते हैं और जाल में इनको क्या होता है, ये काफ़ी सारी फिशेज़ उनको पकड़ करके उनको मार्केट में सेल आउट करते हैं और मनी जो है वो अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। प्लेसेस वेयर फिश आर ब्रेड एंड मल्टीप्लाइड फॉर सेल आर कॉल्ड फिश फार्म। तो वो जगह जहाँ पर फिश जो हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि और ज़्यादा फिश जो हैं, यंग फिशेज जो हैं वो पैदा करने के लिए और उनको आगे और ज़्यादा ग्रो करने के लिए जो जिन एरियाज़ में इनको पाला जाता है उसको बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड फिश फार्म्स, फिशिंग, जिसको हम बोलते हैं फिशिंग। और इसका यूज़ क्या होता है? वी गेट फिश ऑयल फ्रॉम फिश। हम फिशेज से फिश का ऑयल लेते हैं एंड इट इज़ यूज्ड इन मैनी मेडिसिंस इन एंड अदर प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा ये बहुत सारी मेडिसिंस में, यानी कि दवाइयों में भी काम आती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट कैप्सूल्स आते हैं जिसके अंदर फिश का ऑयल होता है। जो लोग फिश नहीं खा पाते हैं वो इन कैप्सूल्स को खाते हैं, है ना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है विटामिन ई होती है। तो इस तरीके से इससे काफ़ी सारी मेडिसिंस बनाई जाती हैं और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनसे बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट जो ऑक्यूपेशन आता है दैट इज माइनिंग. व्हाट इज माइनिंग? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग और टेकिंग आउट द मिनरल्स फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग. हमारी जो अर्थ है, अर्थ के बहुत गहराई में जा कर के कुछ काफ़ी सारे मिनरल्स जो हैं वो छिपे हुए होते हैं और उनको मिनरल्स को उसमें से निकाला जाता है. जो सॉइल होती है उसके अंदर से, अर्थ के अंदर से उनको निकालते हैं काफ़ी नीचे से, अर्थ सरफेस से. दैट इज़ कॉल्ड माइनिंग. और उसको क्या बोलते हैं? माइनिंग. सम ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड एलुमिनियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स. और इनमें से काफ़ी सारे जो मेटल्स जो हैं वो हम इन मिनरल्स में से निकालते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एलुमिनियम हो गया. ये सारे जो मेटल्स हैं वो हम इन मिनरल से ही निकालते हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें जो हैं वो इनसे प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं. मेटल्स आर यूज टू मेक मैनी थिंग्स. और ये जो मेटल्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होते हैं, सच एज कार्स, ट्रक्स, रेलवे कोचेस, बाइसाइकल्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी एंड इवन अ स्विंग नीडल. मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम इन्हीं मेटल से बनाते हैं. यानी कि एक छोटी सी नीडल से लेकर के, सुई से लेकर के, बड़े बड़े एरोप्लेन और बड़े बड़े ट्रेन, कार्स, सब कुछ जो है वो हम किससे बनाते हैं? इन्हीं मेटल से बनाते हैं. क्रूड ऑयल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मिनरल. क्रूड ऑयल जो है वो भी मिनरल का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मिनरल है. एंड पेट्रोल एंड डीजल आर प्रोडक्ट्स ऑफ दिस क्रूड ऑयल. और पेट्रोल और डीजल जो हैं वो इसी क्रूड ऑयल के ही प्रोडक्ट्स होते हैं. अब ये तो हो गए सारे ज़्यादातर ऑक्यूपेशन जो हमारे विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में अपनाए जाते हैं. इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो सिटीज़ में जो है लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं. इन सिटीज़ एंड टाउन्स मोस्ट ऑफ़ द पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज. ज़्यादातर जो सिटीज़ और टाउन्स वाले एरिया होते हैं वहाँ पर जो लोग होते हैं ज़्यादातर वो कहाँ पर काम करते हैं? फैक्ट्रीज़, ऑफिसेस, शोरूम्स, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिसके अंदर उनको काम करने का मौका ज़्यादा मिलता है. गाँव के अंदर तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जिसकी वजह से उनको फार्मिंग में ही एंगेज्ड होना पड़ता है. और सिटीज़ में काफ़ी सारे शोरूम्स, फैक्ट्रीज़, कंपनीज़, ऑफिसेज़ होते हैं तो लोग इनके अंदर काम करते हैं. सम पीपल हैव देयर ओन शॉप्स एंड बिजनेस. इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुद की शॉप्स होती हैं, खुद के बिजनेस होते हैं. आपने देखा होगा सिटीज़ में, आप खुद भी सिटी में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन जो हैं वो खुद भी अपनी तरफ से करते हैं, जैसे कि बेकरी का काम हो गया और वेल्डिंग का काम हो गया. काफ़ी सारे ऑक्यूपेशंस जो हैं वो आपको सिटीज़ में देखने को मिलेंगे. पीपल हु वर्क एज डॉक्टर, टीचर्स, एक्टर, लॉयर, सिंगर्स एट्सेट्रा. तो लोग जो होते हैं यहाँ पर सिटीज़ में उनको काफ़ी सारे ऑप्शंस उनके पास होते हैं, लाइक डॉक्टर्स मिलेंगे आपको, टीचर्स मिलेंगे, एक्टर्स मिलेंगे, लॉयर, वकील, बड़े बड़े वकील, सिंगर्स, डांसर्स, है ना. तो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस जो हैं वो हमें सिटीज़ में देखने के लिए मिलते हैं. तो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू कॉर्नर दिया हुआ है. वी शुड रेस्पेक्ट ऑल ऑक्यूपेशन. हमें सारे ही ऑक्यूपेशंस का इक्वली हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, सभी को सम्मान की दृष्टि से हमें देखना चाहिए. लिस्ट थ्री वेज टू शो रेस्पेक्ट टूवर्ड ऑल ऑक्यूपेशन. तो आपको कम से कम तीन ऐसी चीज़ें बतानी हैं जिससे कि हम सारे ऑक्यूपेशन को रेस्पेक्ट की दृष्टि से देख सकते हों. ओके, सो दिस वॉज योर चैप्टर. नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए माइंड मैप दिया हुआ है जैसा हर चैप्टर में लास्ट में दिया होता है. आपको ये माइंड मैप अच्छे से अपनी नोटबुक के लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है और इसको यहाँ पर क्विक रिवीजन आपका इस मैप से हो जाएगा. देखिए ऑक्यूपेशन, कौन कौन से ऑक्यूपेशन होते हैं. वर्क्स दैट हेल्प अस इन अर्निंग मनी टू फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. एंड नेक्स्ट टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं. फार्मिंग, रियरिंग ऑफ एनिमल्स,
फिशिंग, माइनिंग, ऑक्यूपेशन इन सिटीज़। तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो इसमें रिवीजन हो जाएगा। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।